यातायात पुलिस द्वारा डग्गा मार वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से चल रहा है। यातायात पुलिस द्वारा नागरिकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं मेरे द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ लगातार भ्रमण किया जा रहा है, नागरिकों के सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि जहाँ पार्किंग व स्टैंड है वहीं पर वाहन को खड़ा करें, और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं और सड़क पर गाड़ी खड़ा करके सवारी भर रहे हैं, तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके वाहनों का चालान जुर्माना किया जा रहा है। जो लोग वाहनों को खड़ा करके चले जाते हैं उनके गाड़ियों को क्रेन से उठाकर लाया जाता है। यहां पर यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, शासन द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से चल रहा है और यातायात पुलिस द्वारा लगातार इसके संबंध में आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। उसके पूर्व से भी यातायात पुलिस द्वारा किया जा रहा है और इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े में और गंभीरता से भी किया जा रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ लगातार भ्रमण किया जा रहा है और आम जनता को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जा रहा है, तथा जो वाहन चालक हैं उनको जो है निर्देशित किया जा रहा है कि जहां पार्किंग है, जहां स्टैंड है, निर्धारित स्थान जहां चिन्हित हैं वहीं से संचालन करें। इसके अतिरिक्त जो लोग जो यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करें, नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं या अवैध जगह से गाड़ियां खड़ी करके सवारी भर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। जुर्माना भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है। जो लोग गाड़ी खड़ी करके कहीं चले जा रहे हैं नो पार्किंग जोन में, उनकी गाड़ियां क्रेन से उठवाकर जो है कि पुलिस लाइन में लाई जाती हैं, फिर यातायात नियमों के तहत यहां भी कार्रवाई की जाती है। अरे जग्गा मार बसे लगातार देखा जाए, कार्रवाई भी होती है लेकिन बाज नहीं आ रहे हैं अपने व्यक्तियों से। देखिए, इस पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमने पुलिस लाइन में मीटिंग भी की थी, आगे भी हम मीटिंग करेंगे और नहीं अगर मानते हैं तो उन पर जो है कि जो चालान जुर्माने की कार्रवाई है और गंभीरता से की जाएगी। सर, देखा जा रहा है यूनिवर्सिटी चौराहे पर जो बिहार से बसें चलवाते हैं, यहाँ से आते हैं, वो रोड पे ही बसें खड़े कर दे रहे हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसमें क्या किया जाए? मैं देखिए पहले ही बताया हूँ, लोगों को निर्देशित किया गया कि जो निर्धारित स्टैंड हैं वहीं से संचालन करें। इसके अगर जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ जो है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है और आगे की जाएगी। अभी तक पूरा आंकड़ा तो मैं यहाँ नहीं लेके बैठा हूँ, लेकिन जो मैंने अभी कल की गई थी लगभग 15 गाड़ियों पर की गई थी, बस और फोर व्हीलर मिला के, तो 15 की गई थी, पहले भी की गई थी। सारे आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है कितने का हुआ, लेकिन लगातार रोज की जा रही है इस संबंध में।